नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं SBI बैंक के बारे में, जानेंगे घर बैठे बैठे ऑनलाइन SBI बैंक का जो लोन है उसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लोन को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो प्री पेमेंट कैसे करेंगे, और अगर आपको कोई पेनल्टी वगैरह लग रही है लोन के पीछे तो वो क्या क्या पेनल्टीज देनी है और उन पेनल्टीज से हम कैसे बच सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल की तरफ से एक चल रहा है गिव अवे, ये है यहाँ पे टीपी लिंक कंपनी की तरफ से आने वाला वाईफाई वायरलेस वाईफाई राउटर। ये जो राउटर है 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है, इसको आप जीत सकते हैं। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के काफ़ी ज़्यादा सिंपल रूल हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 है, आपको इस वीडियो को दबा के कर देना लाइक। रूल नंबर 2 है, यहाँ पे आपको ये कमेंट करके बताना है आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स कहां से बिलोंग करते हैं। और स्टेप नंबर 3, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना स्किप किए, तब आप इस गिववे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो गिववे के रिजल्ट है यहां पे randomcommentpicker.com से यहां पे रिलीज किए जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो पिछला गिववे था बोया BY-M1 माइक्रोफोन का, उसका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट हमने लाइव कर दिया था Instagram पे। अगर आप वहां पे नहीं थे तो मैं आपको बता देता हूं, जो पिछले विनर है वो है राकेश कुमार। राकेश कुमार अपना प्रोडक्ट जीत चुके हैं और मैंने उनको ईमेल भी दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम कुछ बिगनर्स को बता देते हैं कि प्री पेमेंट क्या होता है। काफी लोगों को नहीं पता है कि प्री पेमेंट क्या होता है। प्री पेमेंट का मतलब सिंपली यही है कि आप जो भी लोन है आपका, जैसे 5 लाख का लोन है बैंक के साथ में, आपने पहले से ही 3 लाख रुपए की किस्त चुका दी, अब आपके पास बैंक मांग रही 2 लाख रुपए। अब जो 2 लाख रुपए बैंक आपसे मांग रही है उनमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मतलब हमारे पास लाख रुपए अचानक से एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो हम उसको बैंक को दे सकते हैं और उसके बदले हमारा क्या है कि हम प्री पेमेंट इतना कर सकते हैं। अब जो हम पैसे दे रहे हैं बैंक को एक्स्ट्रा मनी, जो हमारे EMI से भी एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, उसको कहेंगे ये प्री पेमेंट है, जो हमारी मैच्योरिटी डेट से पहले हम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें एक पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी क्यों देनी होगी, क्योंकि बैंक को आप उनका ब्याज मिल रहा था, अब उनका आपने ब्याज तो छीन लिया, तो उनको कमाई के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो उसका एक जरिया है वो है पेनल्टी। अब यहां पे पेनल्टी हर प्री पेमेंट पे अलग अलग लग रही है, तो क्या क्या पेनल्टीज है वो हम जान लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन के ऊपर 3% की पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी, और इस 3% की जो पेनल्टी, इसको आप वेव ऑफ भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना लोन का अकाउंट बंद करना और आप चाहते हैं एक नया लोन लेना, मतलब आपका 5 लाख का पहले से बैंक में लोन चल रहा था और आप इस लोन को बंद करवा के एक नया लोन और लेना चाहते हैं, मतलब 5 लाख का लोन था आपके 5 साल का, जिसमें से आपने सारे पैसे चुका दिए थे पर अब सिर्फ 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए बच गए थे। अब जो 1 लाख रुपए आपके बच गए थे, आप क्या चाह रहे हैं कि जो 1 लाख रुपए हैं ये मैं बैंक को दे दूं और उसके बदले एक नया वापस एक नया 5 लाख का लोन ले लूं, तो इसमें क्या होता है, आप जब 1 लाख रुपए देंगे तो आपको 3% का चार्ज तो देना होगा उसी 1 लाख रुपए के ऊपर। पर यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे देखने को ये मिल रही है कि हम इसको कैसे हम वेव ऑफ करवा सकते हैं, मतलब हम कैसे इस पेनल्टी से बच सकते हैं। इससे बचने का जरिया यही है कि आप जब भी एक नया लोन ले तो बैंक को आपको विश्वास दिलाना होगा और बैंक को कहना होगा कि इस जो नया मैं लोन ले रहा हूं इसमें से मैं अपने पुराने वाला लोन है उसका पेमेंट इसी लोन से मैं करने वाला हूं, तो उसके बदले बैंक क्या करेगा, आपका जो लोन का जो प्री पेमेंट का जो चार्ज है 3% की पेनल्टीज है उसको वेव ऑफ कर देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होम लोन की। होम लोन के ऊपर आपको 0% पेनल्टी देनी है, 1% पेनल्टी अभी हाल फिलहाल में करंट सिचुएशन में नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं कार लोन की। कार लोन के ऊपर यहाँ पे आपको दोस्तों सिस्टम अलग है। यहाँ पे अगर आप 24 महीने के अंदर अंदर, मतलब 2 साल के अंदर अंदर आपका जो कार का लोन है उसमें 2 साल से पहले पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 2% पेनल्टी देनी होगी प्री पेमेंट के साथ में। पर अगर आप 2 साल के बाद में पेमेंट पूरा करते हैं या फिर क्लोज करवा देते हैं या फिर प्री पेमेंट करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल लोन की। एजुकेशनल लोन के ऊपर आपको 0% पेनल्टी देनी है अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं या फिर प्री पेमेंट करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो SME टर्म लोन के ऊपर होंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो भी इस वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने SME टर्म लोन लिया है तो इसके ऊपर भी आपको चार्जेस देने होंगे, पेनल्टीज देनी होगी प्री पेमेंट के लिए। यहाँ पे आपको 2% पेनल्टीज देनी होगी, बट इसको भी आप वेव ऑफ करवा सकते हैं, इसको आप माफ़ करवा सकते हैं बैंक के साथ में। अगर आप बैंक को ये बताते हैं कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ, ये जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने कैश से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा
जो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से मैं अपने लोन का पेमेंट कर रहा हूँ। उसी बात पे जो बैंक है वो आपकी जो फी है उसको वेव ऑफ कर देगी और फी वेव ऑफ होने के बाद में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन के प्री पेमेंट पर आपको 0% पेनल्टी देनी है, कोई भी पेनल्टी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आपने PAPL लोन लिया है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको 0 पॉइंट यहाँ पे आपको 0 से लगाकर आपको 3% तक की पेनल्टीज देनी पड़ती है, क्योंकि PAPL लोन काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब हर लोन के ऊपर हर अलग अलग तरीके की प्री पेमेंट पेनल्टीज होती है। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोगों को एकमात्र एक दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी मैंने लोन लिए हैं, हो सकता है आपने उस लोन को खुद के हिसाब से कस्टमाइज करवाया हो या फिर अलग है वो नीडफुल लोन लिया हो, जो कि मैंने यहाँ पे बताया ही ना, उसका हम परसेंट कैसे पता लगा पाएंगे, कितना हमें परसेंट देना होगा, पेनल्टीज देनी होगी, कितना हमें लोन क्लोज कर लिए गए चार्ज देना होगा। तो उसका बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है, यहाँ पे जो बैंक ने आपको सेंशन लेटर दिया होगा लोन अमाउंट, जब आपने लोन बैंक से लिया होगा तो हर बैंक लोन देने पे एक सेंशन लेटर जारी करती है। अगर आपके पास वो लेटर नहीं है तो आप बैंक से ले सकते हैं, उसके ऊपर आपकी हर डिटेल लिखी रहती है, उसके ऊपर पूरा एग्रीमेंट रहता है आपका लोन का, जिसके ऊपर सारी आपकी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है, आपका लोन का पेनल्टीज का चार्जेस, प्री पेमेंट का चार्जेस और आपका क्लोज का चार्जेस, हर सारी चीजें आपको इसके ऊपर लिखी रहती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब जान लेते हैं कि हमें लोन को क्लोज कैसे करवाना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्री पेमेंट है और लोन क्लोज, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है, आप कुछ अमाउंट है वो बैंक को पे कर रहे हैं, पर लोन क्लोज का मतलब क्या होता है, आप अपनी सारी अमाउंट बैंक को पे कर रहे हैं, आपको कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रखनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, SBI की नेट बैंकिंग वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद में यहाँ पे जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे लोन अकाउंट क्लोजर फॉर्म का, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अब यहां पे सारी चीजें यहां पे दे रखी है, आपको इस क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद में, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में यहाँ पे ध्यान रखें, रिक्वेस्ट सबमिट अगर नहीं हो रही है तो आपका लोन अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो लगभग 48 आवर्स से लगाकर आपका 72 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे आपका जो लोन का जो अमाउंट है वो प्री क्लोजर का अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपका जो लोन अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में बैंक अगर आपको कॉल करता है तो आपको क्या करना है, बैंक को सिर्फ यही बताना है हम ये लोन क्लोज करवाना है, ये रीजन है हमारा। उसके बाद में आपका लोन इजीली क्लोज हो जाएगा और ये ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कोई भी बैंक जाने की इसमें जरूरत नहीं है। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।